जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं किन कारणों से हमें संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है, अर्थात संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। पूर्व के किए हुए कैसे कर्मों का प्रभाव हमें अपने वर्तमान समय में भोगना पड़ता है, जिसके कारण हम अपने जीवन में संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। जी हाँ, यह बात काफी महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि कर्म विपाक संहिता में भगवान शिव कहते हैं, पूर्व जन्म कृतम कर्मो यह लोके प्रभुज्यते। जी हाँ, मनुष्य अपने पूर्व के किए हुए कर्मों के आधार पर ही वर्तमान समय में फल को भोगता है। उसे जो मिलता है या नहीं मिलता है, उस सब का पूर्व का किया हुआ कार्य ही आपको निर्धारित करता है कि आपको भविष्य में क्या मिलने वाला है। जी हाँ, अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो कुछ ऐसे ग्रह योगों का वर्णन हमें देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलता है, जिसके कारण कुछ जातक होते हैं जो संतान सुख से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ, आज ऐसे ही कुछ विशेष और महत्वपूर्ण योग के विषय में, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और साथ में ही मैं बताऊंगा कि उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है और किस प्रकार संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सुगमता से और सरलता से प्राप्त हो सके। जी हाँ, जब ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं तो हमें देखने में मिलता है, यदि हमारे पितृ पूर्वज हमसे आतृप्त हैं, अप्रसन्न हैं और वह हमसे प्रसन्न नहीं है और संतुष्ट नहीं है, तो वह हमें संतान सुख से वंचित रख देते हैं। जी हाँ, जिन लोगों के घर में पितृ दोष होता है, पूर्वजों का दोष होता है, उनके घर में संतान का सुख नहीं होता है, वह संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए अपने पितरों का, पूर्वजों का समय पर तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान आदि कर्म हमें विधिवत तरीके से संपन्न कराना चाहिए, अन्यथा यह दोष बहुत बड़े स्तर पर हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में हमें आकर लगता है, जिसके कारण हम पैतृक संपत्ति और पितरों के आशीर्वाद से संतान से जो सुखी होते हैं, लेकिन उस अवस्था में जब पितर हमसे असंतुष्ट होते हैं तो वह हमारी पैतृक संपत्ति और संतति दोनों को हमसे दूर कर देते हैं, अर्थात हम दोनों से वंचित हो जाते हैं, हमें संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ, इसी प्रकार जन्म कुंडली का अध्ययन कराकर आप जान सकते हैं महर्षि पाराशर के द्वारा बताए गए सर्प के द्वारा। जी हाँ, यदि अब आपने अपने पहले समय में सर्प की हत्या की है, सर्प को मारा है, या पूर्व पिछले जन्म में आपने किसी सर्प की हत्या की है, तो सर्प के श्राप से भी आपको संतान सुख से वंचित रहना पड़ जाता है। जी हाँ, आपको इससे भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। उसके साथ साथ यदि आप अपने कुल देवी देवता का नियमित पूजन नहीं करते हैं, वर्ष में विशेष तिथि पर्व आदि में उनका पूजन इत्यादि कार्य नहीं करते हैं, तो कुल देवी देवता के श्राप से भी हमें संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। जी हाँ, इसीलिए संतान सुख प्राप्त नहीं होता है, तो कुल के देवी और देवता को पूजना, उनका पूजन करना, नित्य उनका ध्यान पूजन आदि करना काफी आवश्यक माना गया है। इसी के साथ साथ अगला जो योग हमें देखने को मिलता है, मातृ श्रापात, पितृ श्रापात, भगिनी श्रापात, माता के श्राप से, पिता के श्राप से या बहन के श्राप से। जी हाँ, यदि हमने इनमें से किसी के भी साथ गलत किया है, अर्थात उनका अपमान किया है, उन्हें किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई है या उनसे असत्य या कटु वचन जब हम बोलते हैं, तो इस प्रकार उनके श्राप के कारण भी संतान सुख से वंचित ही रहना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि संभवतः हो सकता है कि पिछले जन्म के कुछ कर्मों के आधार पर हमें इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा हो। इसीलिए अपनी जन्म कुंडली का विधिवत तरीके से अध्ययन कराइए आप, उसके बाद उसमें देखिए कि किस कारण से आपके पास संतान सुख नहीं है, उससे संबंधित उपचार आदि करके आप संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों में इसके विषय में विस्तार से वर्णन मिलता है। आगे कई ऐसे योग होते हैं जिसके कारण संतान सुख प्राप्त नहीं होता है,
तो उन सभी की जानकारी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जन्म कुंडली का अध्ययन कराकर या हस्त रेखा का अध्ययन कराकर आप पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन उपायों के करने से निश्चित संतान सुख प्राप्त होता है। तो धर्म ग्रंथों के आधार पर हमें देखने को मिलता है संतान गोपाल मंत्र का जप कराना, विधिवत तरीके से सतचंडी याग का अनुष्ठान करना, पुत्रेष्टि अनुष्ठान करना, उसके साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए यंत्र मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग, यह आपको संतान सुख दिलाने वाला कहा गया है। तो आप इनमें से जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति आदि को देखकर यह अनुष्ठान विधिवत तरीके से संपन्न कराइए। इससे निश्चित ही आपके घर में संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि धर्म ग्रंथों में बताए किन उपायों से संतान का सुख प्राप्त होता है। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए।